الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر إلا شيئًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں اور دوستو इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने सूरह फातिहा की पहली आयत तिलावत की। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालहू तमाम जहानों के पालने वाले हैं। हमारे सामने तो यही आलम है जिस आलम में जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने इस आलम के अलावा भी बहुत सारे आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने बना रखे हैं और तमाम जहानों के और तमाम आलमों की परवरिश अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू फरमाते हैं। आलम इंसान है, आलम जिन्नात है, आलम फरिश्ते मलाइक है और इसी तरीके से शजर है, हजर है, पत्थर है और सारी चीज़ों की तख्लीकात जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने की है और सब की परवरिश और सब की तरबियत अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू अपने तौर पर करते रहते हैं और इसी पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो रब है, रब्बुल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त मैं आप हजरात के सामने ये बताना चाहता हूँ कि हम कौन हैं और दुनिया में क्यों आए, क्यों पैदा किए गए। क्या वैसे ही दुनिया में आ गए हम या हमारा कोई दुनिया में पैदा करने का कोई मकसद है और हमें क्या करना चाहिए और हम किस चीज़ की तरफ मुतवज्जे हैं, क्या कर रहे हैं और किस चीज़ को हमने छोड़ रखा है। आदमी को सोचना चाहिए। जब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सोचते हैं तो अपने मुतल्लिक भी हमें सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों। इस मुख्तसर से वक्त में आप हजरात के सामने इसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक तो पैदा की है नूर से, जिसको हम फरिश्ते से ताबीर करते हैं। वो न हमारी तरह खाने पीने के मोहताज हैं, हमारी तरह मुज़क्कर मोहन्नस का उसमें कोई फ़र्क है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नूर से पैदा किया है और जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है उस काम में वो लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करना उनके मिजाज में है ही नहीं, वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने
बहुत ही बड़ी कुव्वत से, बहुत ही बड़ी ताकत से उनको नवाज रखा है। इसको हम फरिश्तों से ताबीर करते हैं। इन फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। अब फरिश्ते कितने हैं, क्या करते हैं, इसको जानना और उसको मानने की जरूरत नहीं है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने पैदा किए हैं। एक हदीस में आता है कि दुनिया वालों के लिए जिस तरीके से काबा शरीफ है, इसी तरीके से आलमे उलिया में, आसमानों में, सातों आसमान से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना असली मकान बना रखा है और उसको कहा जाता है बैतुल मामूर। और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और जब एक मर्तबा कोई फरिश्ता उसमें दाखिल हो गया, तवाफ कर लिया, बैतुल मामूर उसने देख लिया, कयामत तक के लिए दूसरी मर्तबा उसको वहाँ दाखिल होने का मौका ही नहीं मिलता। अब उससे अंदाज़ा लगाओ कि कितने होंगे। एक मर्तबा बैतुल मामूर में जो फरिश्ता दाखिल हुआ, जिंदगी भर दूसरी मर्तबा दाखिल नहीं होता, दूसरे दाखिल होते रहते। और बहुत सारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सुपुर्द किए हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक करते हैं। कोई रोज़ी के ऊपर है, कोई हवा के ऊपर है, कोई बादलों के ऊपर है, कोई बारिश के ऊपर है, मुख्तलिफ कामों में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लगा रखे। कोई इबादत में लगे हुए हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, और कुछ ऐसे भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दुनिया में कह रखा है कि जाओ दुनिया में फिरते रहो, घूमते रहो, जहाँ मेरा तज़किरा हो, जहाँ मेरा नाम हो, जहाँ मेरी इबादत की जाए, जहाँ मेरा जिक्र किया जाए, वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ उनके साथ शरीक हो जाओ और उनकी इत्तला करो मुझे। बहुत बड़ी एक तादाद इस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भेजी हुई होगी और वो देख रहे होंगे। इनमें चार फरिश्ते सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और इन चारों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे बड़ा हुआ है, ये आप हज़रत जानते हैं। ये न मुज़क्कर है न मुअन्नस, नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बनाया है। दूसरी एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, वो आग के शोले से बनाई है, आग से बनाई है। जिस तरीके से जमीन से मिट्टी से बनाया और हमारे सब के बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, इस तरीके से आग से जिस मखलूक को पैदा किया गया है, उस आग के मखलूक का बाबा आदम जिसको कहा जाए, वो जान है उसका नाम। और फिर जिन्नातों की बहुत सारी मुख्तलिफ अकसाम, जैसे इंसानों की बहुत सारी मुख्तलिफ अकसाम हैं। इनमें मुजक्कर भी है, मुअन्नस भी है, और तवालु तनासुल भी उनमें होता है, नेक और बद भी उनमें होता है। अल्लाह को मानने वाले भी हैं, अल्लाह को न मानने वाले भी हैं, जिन्नातों में सारे तबसे में आते हैं। और इनमें से एक किस्म ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान है, शरकस है, जिसको हम शयातीन से ताबीर करते हैं। तीसरी एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम किस्म की मिट्टियों को जमा करके, उस मिट्टियों को भून कर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म बनाया। ऐसा जिस्म न फरिश्तों का है न जिन्नतों का है, उनका जिस्म है लेकिन और तरीके का। इंसानों का जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, और लकद खलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, कुरान पाक में बताया गया
कि सारी मखलूकात में बेहतरीन तकवीम, बेहतरीन अंदाजे के साथ, बेहतरीन तरीके पर अगर किसी मखलूक को अल्लाह तबरक व तआला ने पैदा की है तो ये इंसानों को अल्लाह तबरक व तआला ने बनाया है। बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी, लेकिन क्या करें, हमें कुरान पाक और हमारे क्या है हदीस पाक में गौर करने का वक्त ही नहीं मिलता है, हमारी तवज्जो इसकी तरफ नहीं होती। नूर से जो चीज़ें बनाई है, आग से जो मखलूक को पैदा की गई है, इन सारी मखलूकों में ये मखलूक जिसको मिट्टी से पैदा की गई है सबसे रजील, सबसे कमीना, सबसे घटिया, सबसे खराब मटेरियल से इसको पैदा किया गया। मिट्टी, मिट्टी को आप जानते हैं कि कैसी रजील होती है, पेशाब उसके ऊपर कर लो, पखाना उसके ऊपर कर लो, चलो उसके ऊपर इंसान भी चलता है, हैवान भी चलता है, सब कुछ चलता है, सब उसको रौंदे चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने इस मिट्टी से जो मखलूक बनाई, वो मखलूक शक्लो सूरत के एतबार से भी सबसे बेहतर बनाई। और अल्लाह तबरक व ताला ने इस मखलूक को दूसरी तमाम मखलूकात के ऊपर अल्लाह तबरक व ताला ने अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूकात का खिताब अता फरमाया। कमीनी, घटिया, हल्की चीज़ों से बनाया, लेकिन दर्जा जो उनको दिया वो अशरफुल मखलूकात। जितनी मखलूकात है सब में सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा बेहतर अगर कोई मखलूक है तो ये इंसान है। इसी वजह से कहते हैं कि अच्छे इंसान, नेक मुत्तकी परहेजगार, ये जिन्नतों से भी अफजल हैं और बाज फरिश्तों से भी अफजल हैं। और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फरिश्तों से, हत्ता के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी अफजल है। सबसे ज़्यादा ऊंचा अगर कोई दर्जा है तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबरक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, अल्लाह जल्ल जलालहु ने इतना ऊंचा ओहदा क्यों दिया, ये हमें गौर करने की ज़रूरत है और ये हमें जानने की ज़रूरत है। और आज की इस मजलिस में मैं इसी चीज़ को बताने के लिए आप हजरात को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि अल्लाह तबरक व ताला ने हमको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है, लेकिन हमने अपने आप को इतना गिरा दिया, इतना नीचे कर दिया, इतना हल्का कर दिया, इतनी रजील चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हो गए कि इतना ऊंचा दर्जा होने के बावजूद असफलुस साफिलीन की तरफ हम मुतवज्जे हो गए। अल्लाह तबरक व ताला ने हमारे साथ दो चीज़ें रखी, एक तो रखा शैतान को, और कुरान पाक में भी अल्लाह तबरक व ताला ने ऐलान कर दिया कि इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला अदुवुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला तुम्हारा दुश्मन है। अपने इस दुश्मन को पहचानो और दुश्मन की बातों में मत आओ और दुश्मन की बातों की तरफ तवज्जो मत करो। शैतान हमारे लिए खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अब ये शैतान हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन क्यों है, इसका भी जवाब है। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने
फरिश्तों को कहा, वइज قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, मैं अपना एक नाइब दुनिया में पैदा करना चाहता हूँ। उस वक्त ये शैतान जो था वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार था, बहुत ही बड़ा इबादत गुजार था, और इतना इबादत गुजार था कि उसका बूदोबाश रहना सहना ये भी फरिश्तों के साथ हो गया था, फरिश्तों के साथ ही रहता था। और उसने ये समझा कि अल्लाह तबारक व ताला जो एक अपने अजीज दर्जे की आला दर्जे की जो मखलूक पैदा करना चाहते हैं, मुझसे ज़्यादा बड़ा हकदार कौन है, मैं होना चाहूँ, ये अना मैं उसके अंदर में आ गया। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और पैदा करने के बाद फरिश्तों से सजदा करवाया तो उसने इनकार कर दिया कि मैं बढ़िया, मैं ऊंचा, मैं इसको कैसे सजदा करूं, मैं तो ऊंचे रहता हूं, ज़मीन ये मिट्टी तो नीचे जाती है, मैं इसका सजदा नहीं करने का, और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान बन गया। हसद और किब्र ये दो चीज़ें उसमें पैदा थी, इस वजह से वो क्या हो गया, हलाक हो गया। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि मैंने तुझे कहा कि सजदा करो, तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने अल्लाह तबारक व ताला के साथ मुबाहसा किया, अल्लाह तबारक व ताला के साथ मुकालमा किया, अल्लाह तबारक व ताला के साथ बहस की। अल्लाह तबारक व ताला के साथ बहस करना, जो छोटी सी मिसाल में मसलन बीवी के साथ बात कर रहे हो झगड़ते वक्त में, अगर बीवी हमारे साथ बात करते हुए अगर हमारे सवाल का जवाब देना शुरू कर दे और अकड़ कर सवाल करना शुरू कर दे जैसा मतन होता है तो क्या होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया कि इन्ना कर अजीब, चल भाग यहाँ से, तो आज से तू मेरी रहमतों से दूर हो गया और मेरी नज़रों से तू गिर गया और जहन्नम का हकदार हो गया। रो लेता, आजीजी कर लेता, मगफिरत मांग लेता, तौबा कर लेता, तो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देते, वो गफूर रहीम होते। लेकिन वो और अकड़ गया और कहा कि ठीक है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ, मेरी ये दुआ कबूल कर लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ने इस हालत में भी उसकी दुआ को कबूल कर ली। इसीलिए कहता हूँ कि भाई दुआ करना चाहिए, इंशाल्लाह कि कभी किसी मर्तबा दुआ पर भी बताएंगे। हम लोग ने दुआ को भी छोड़ रखा है, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला दुआ कबूल करने में नेक और बद को नहीं देखते, बल्कि देखो शैतान की भी बद दुआ कर रहा है वो कि अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमाइए। अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हें ज़िंदगी अदा फरमाएंगे। उसने तो ज़िंदगी मांगी थी कयामत तक, ताकि मौत आए ही नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ना, वहाँ तक नहीं, उससे पहले मौत तेरे पर भी आएगी, लेकिन मौत आएगी। अब उसको ज़िंदगी मिल गई, तो ज़िंदगी मिलने के बाद अब अल्लाह तबारक व ताला से कहता है कि ये अल्लाह इस आदम की वजह से मेरी ये हालत हुई, इतने बड़े ऊंचे दर्जे से मैं गिर गया, रजील हो गया, कमीना हो गया, नहीं हो गया, लोग हो गया, मैं तो अब जहन्नम का हकदार हूँ, जहन्नम में ही जाऊँगा अब तो, इस आदम की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैं कहता हूँ कि इस आदम की औलाद को मैं दुनिया में ऐसा आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से ऐसा उसको वरगलाऊंगा, ऐसा उसको गुमराह करूंगा कि मैं उसको अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। इसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो इनको भी मैं लेके जाऊंगा, ये अल्लाह ताला से कह रहे हैं, सारा कुरान पाक में मौजूद है। चलो फिर छोड़ो, इंशाल्लाह आइंदा पूरा।